तो हेलो गाइस, आ जाते हैं हम एक और नई गेम प्ले वीडियो के साथ। हम कोचिंग के उतरते हैं और कोचिंग के उतरते हुए एक स्क्वाड आ रही होती है और एक स्क्वाड हमारे जस्ट नीचे ही उतरती है और हम भी यहीं उतर जाते हैं। और मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं भी इनके साथ उतर जाता हूँ और देखते हैं हम बचते हैं नहीं करते, क्लच कर पाते हैं नहीं कर पाते। मैं भी वो बंदा भी इसी घर में घुसता है और मैं भी 50 घुस ही जाता हूँ और मेरे को मिलती है M16 मिलता ही। एक बंदा जस्ट मेरे पास आ ही जाता है। पहले सबसे पहले मैं और देखता हूँ कि नीचे अगर कुछ गनमन पड़ी हो तो, मगर गनमन नहीं मिलती है, मेरे को पिस्टल मिलती है। पिस्टल मिलते ही मैं ऊपर जाता हूँ और सबसे पहले ऊपर जाके मैं देखता हूँ यार कोई गनमन मिल जाए, बट मेरी किस्मत कहाँ अच्छी तो चूँकि मैं किसी को गन नहीं मिल पाती तो मुझे क्या मिलती। तो मैं बस देखा इतने में बस मेरे सामने घर में बंदा होता है और इतने में मेरे एक बंदा नूक हो जाता है और नीचे बंदा होता है। बस देखो भाई मैं बस यहाँ बचा कैसे, एक बंदा एक M4 बंदा बस जस्ट मर ही गया मेरे से। देखो और जैसे मैं इसको मारता हूँ तो इसका बंदा मेरे को जस्ट मारने के लिए जाता है और ये देखो मैं सोचता हूँ कि वो नीचे है और बस मगर पीछे बढ़ो देता हूँ तो वो नीचे जाता है। मैं जस्ट जल्दी से भागता हूँ बस अंदर से, जैसे भागता हूँ भागने के बाद मैं नीचे आता हूँ। फिर नीचे आने के बाद इसलिए सोचता हूँ कि ये मेरे पीछे छोड़ देगा, मगर जैसे आता है मैं इसे फिर छोड़ने वाला होता है और ये मर जाता है आराम से। फिर बस क्या था और जस्ट मैं थोड़ी सी लूट लाट करके फिर मैं यहाँ जाता हूँ। यहाँ पर आते ही सामने एक टीम होती है, उनका एक बंदा यहाँ होता है, एक बंदा मैं जस्ट ये पूरा मार के पूरा फिनिश यहीं पर फिनिश कर देता हूँ। फिर फिनिश करने के बाद मैं सबसे पहले इसकी लूट करता हूँ। लूट करते हुए सबसे पहले मैं इसको सोचता हूँ कि अगर अच्छी सी गन मिल जाए बस उनको, फिर थॉमसन मिलती है, थॉमसन उठाते ही मैं दोबारा बंदे ही मारने जाता हूँ और इस घर में घुसता हूँ। इस घर में घुसते ही इस घर में मैं ऊपर चलता हूँ, उधर देखता हूँ बंदे होते हैं तो मैं वापस पीछे जाता हूँ, मगर इसमें एक पीछे एक बंदा नहीं वो बोट होता है। देखना ये बोट आया, ऐसा लग रहा था जैसे ये इसको मारने के बाद मेरे को ना पीछे से आवाज़ आती है जैसे किसी ने शॉट गन मारी है। फिर मैं देखता हूँ उधर और मैं ऊपर जाता हूँ तो मेरे को वो शक पूरा सही में होता है, वो बंदा मेरे को कोई पीछे से मार रहा था शॉट गन। इस शॉट में वाले को छोड़ो, वो मेरा बंदा मारा था उसे और मैं सबसे सामने ट्रिपल स्टोरी में पूरी स्टोर जाती है। फिर कोई बात नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा पेशेंस का काम है, मैं यहाँ पर पेशेंस रखता हूँ अपने और देखो इसे कैसे मारते हैं। आप सोच रहे हो कि मैं गेम एक्सप्रो के जैसे मतलब कॉपी कर रहा हूँ, भाई मैं उनकी बहुत वीडियो देखता हूँ, मैं उनका बड़ा फैन हूँ। अब देखो इसे कैसे मारता है, पूरी स्क्वाड खत्म करते हैं। 1v4 क्लच यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सो देखो सारा काम पेशेंस का है, 1v4 तो आप ऐसे आराम से कर सकते हो। इसका बंदा भाई देखो करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि वो सफेद वाला बंदा मर गया बट वो मरता नहीं है। मैं जाता हूँ अंदर तो ये दूसरा बंदा उसकी खुद की पेटी लूट रहा है और जस्ट मैंने इनको बताया बस मार ही दिया। देखो अगर ये आपको क्लच अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल प्लीज़ गाइस। फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं गाड़ी लेके निकलने के बाद हम इन सबको अपने साथियों को मैं गाड़ी में बिठाता हूँ और फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ बंदों की तलाश में। गाइस मैंने अभी न्यू चैनल स्टार्ट किया, सो प्लीज़ जो भी है गलती आप देख लेना, बस अभी मैंने बस स्टार्ट किया है तो सो गाइस प्लीज़ कीप सपोर्ट। और कोचिंग से निकलने के बाद मैं यहाँ पर टेंट पाता हूँ, टेंट पर आपको अक्सर बंदे मिल ही जाते हैं और देखो हमारी किस्मत एक बंदा बस सामने होता है, एक बंदा नहीं दिखता नहीं है। यहाँ से गाड़ी घुमा तो मैं सोचता हूँ यहाँ पर पूरी स्कोर होती है बट वो स्कोर नहीं होती, वो अकेला बंदा ही होता है। वो अभी आपको पता चलेगा कि कैसे मैं बोल रहा हूँ कि वो अकेला बंदा है। वहाँ मैंने गाड़ी रोकी और बस देख लिया मेरा बंदा सामने जाके सांप बन जाता है। देखो
मैं रोटेट मार के पीछे की तरफ कवर में जाके, मतलब हाँ कवर में जाके फिर इसे बंदे को देखता हूँ, वहाँ से मारने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से मुझे सही एंगल मिलेगा और कवर भी मिलेगा। और उस बंदे ने, मतलब मेरा एक बंदा नोक कर जाता है M24 का हेडशॉट दे के, तो ये कोर्ट हो जाता है पीछे से। ये बीच में आते हैं लड़ाई के, पता नहीं कहाँ से एक बंदा नोक किया उसने मेरा। अब देखो देखो वो सामने हो रहा, जस्ट एंगल मिल जाए ढंग का, बस ये एंगल मिलते तो मेरा दूसरा बंदा भी नोक कर देता है वो। और ये उसकी गलती देखिए, दोनों को मिस कर रहा होगा मेरे साथियों को, मगर मुझसे पहले उसको मार देता हूँ। और मैं स्मोक करके सिर्फ यहाँ पर अपने बंदों को बस रिवाइव करता हूँ कि इतने में देखना आगे क्या होगा मेरे साथ, मैं यहाँ बच पाता हूँ कि नहीं बच पाता, मैं लूट कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता, अच्छे से देखो। लूट तो मेरे पे खास अच्छी होती नहीं है, बस M4 होती है, एक एम की स्किन, एक एम की एमओ वैमो तो होती नहीं है मेरे पास। मैं इनको यहाँ पर रिवाइव देता हूँ, रिवाइव देने के बाद देखना मुझे स्टाफ कि मेरे साथ क्या होता है, मेरे साथ क्या, मेरी टीम मेट के साथ भी क्या होता है। हम सोचते हैं कि अच्छे से यहाँ पर लूट करेंगे, उस बंदे से M24 उठाएंगे, अब देखना आप ट्रस्ट कि क्या होता है आगे। मैं अच्छे से जा रहा था, ये मेरा कुछ लैग कर रहा था गेम, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ साथ ही साथ, और जस्ट आप पता ही है आपको लैग तो करता ही है। बस कितने में आती है गाड़ी, नहीं बच पाता एक तो मैं नोक कर देता हूँ, वैसे तो मेरे बंदे सारे नोक हो जाते हैं, नहीं तो एक बंदा नोक हो गया, मैंने ये किया। मैं यहाँ पर अब बताओ मेरा बंदा मेरे को बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, मेरे को पूरा नोक कंप्लीट कर देता है बस। तो गाइस प्लीज।